लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। या अल्लाह, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, फिर भी ये एक कमबख्त दिल छोरों की तरह जोर जोर से धड़क रहा है। खुदा बस खता ना कराए, इतनी मुश्किलों के बाद इस महल में खुशी से रहने का मौका मिला था, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। लेकिन इस तहकीकात का क्या मतलब? रानी साहिबा, जांच के लिए सभी लोग आ गए, बस आप ही की प्रतीक्षा हो रही है। जांच हमारी, उसकी इतनी औकात नहीं कि वो हमारी जांच करेगी। जाकर कह दो उस मणिकर्णिका से हम आराम कर रहे हैं। रानी साहिब, मणिकर्णिका नहीं, महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई ने आदेश दिया है जांच का। किले के 3 दिन द्वार की सुरक्षा को भेद कर हमलावर महल तक पहुंच गए और आपको पता तक नहीं चला। क्षमा करे महारानी साहिब, किले के द्वार पर तैनात सैनिकों को मारकर बुंदेले हमारे सैनिकों के बेस में वहां तैनात हो गए थे। ये सब क्या है महाराज? नियम कानून कुछ है कि नहीं? कितने दिनों के बाद ऐसा लग रहा था कि खुशियां हमारे महल की तरफ कदम बढ़ा रही है, मगर महारानी लक्ष्मीबाई के तौर तरीके देखकर तो ऐसा लग रहा है कि खुशियां उल्टे पैर वापस चली जाएगी। नई वधू है, हल्दी कुमकुम लक्ष्मी पूजा के बारे में वो बात करेगी तो अच्छा लगता है, ऐसे दरबार बिठाने में नहीं। आई साहब, अपनी असुरक्षित झांसी को सुरक्षा प्रदान करना किसी भी पूजा पाठ और रस्म से बढ़कर है, और सच्चाई इंसान को निडर बनाती है, तो फिर आपको कैसा डर? ये देखो, मनु ये सब क्यों कर रही है? खुदा बस खता ना कराए, ये महल है या अदालत? जब देखो तब कार्रवाई शुरू हो जाती है। हमने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हमें यकीन है कि महल के अंदर कोई है जो अपना बनकर दुश्मनी निभा रहा है। जिसने हमने में अप्रत्यक्ष रूप से बुंदेलों का साथ दिया है, और हमें यह भी यकीन है कि उस धोखेबाज के चेहरे से धोखे का पर्दा हम उठाकर ही रहेंगे। अभी अभी तो विवाह हुआ है और इस रानी लक्ष्मीबाई ने दरबार लगाकर छानबीन भी शुरू कर दी है। कहीं ऐसा तो नहीं इनके हाथ हमारे खिलाफ कोई सबूत लग गया है? तो ठीक है, आप अपनी जांच की शुरुआत अपने पिता और गुरु से क्यों नहीं करती? क्योंकि आई साहब, हमने अपनी आंखों के सामने उन्हें बुंदेलों से लड़ते हुए देखा था। हमारे शक के घेरे में तो वो लोग हैं जो हमले के समय नजर नहीं आ रहे थे। छोटी आई साहब, जब हमला हुआ तब आप कहाँ थी? खुदा बस खता ना कराए, हम तो ये बयां ही नहीं कर सकते कि हमें आप सबकी कितनी फिक्र है। इसलिए तो हमले के वक्त हम चेतावनी घंट बजा रहे थे अंग्रेजों को बुलाने के लिए।
अच्छा, चेतावनी घंट बजाने आप अकेली गई थी क्या? आपको याद नहीं, आपसे पहले चेतावनी घंट बजाने हम गए थे। अल्लाह, लेकिन ज्यादा जोर से तो हम बजा रहे थे ना। हम तो इतनी जोर से बजा रहे थे कि इंग्लिस्तान में जो रानी है ना, क्या नाम है उनका, रानी विक्टोरिया के कानों तक पहुंच गई होगी, लेकिन पता नहीं उन कमबख्त अंग्रेजों तक क्यों नहीं पहुंच पाई वो आवाज। अब आपको पता चल गया हम कहां थे। महारानी लक्ष्मीबाई, हम भी रानी हैं झांसी की, और झांसी की सुरक्षा की फिक्र हमें भी है, इसीलिए अपनी जान जोखिम में डालकर चेतावनी घंट बजाने गए थे हम। लेकिन आप तो उनसे पूछताछ कर ही नहीं रही जिनसे आपको पूछताछ करनी चाहिए। किससे? रानी सक्कूबाई साहब से। हमले के दौरान वो कहां थी किसी को नहीं पता, उन्हें किसी ने नहीं देखा। रानी जानकी बाई साहब, हमने सक्कूबाई साहब को देखा था। अल्लाह, पता नहीं हमें क्या हो रहा है, हम तो ये बताना भूल ही गए थे। जब हम ऊपर थे ना, घंट बजा रहे थे, तब हमने रानी सक्कूबाई साहब को देखा था नीचे बुंदेलों के साथ। मैंने भी देखा था। जब बुंदेले हमें बंदी बनाकर लेकर जा रहे थे, तब हमारी नजर भी उन पर पड़ी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे रानी सक्कूबाई बुंदेलों के साथ कोई बातचीत कर रही हो। ताती गुरु, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? इसीलिए क्योंकि दूरी काफी थी और हम पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे, परंतु रानी लच्छुबाई साहब की बात सुनकर अब हमारा संदेह यकीन में बदल गया है। जिन्होंने अपने खुद के पति को नहीं बख्शा, वो हमारी सगी क्या होगी महाराज? ये अच्छा है, जुर्म करे कोई और जुर्माना भरे हम। चलिए, कहीं असली गुनहगार भाग ना जाए। शीघ्र उनके कक्ष चलिए। वो यहां नहीं आई तो क्या हुआ, हम तो उन तक पहुंच सकते हैं। चलिए। कुछ ऐसा करना होगा जो किसी ने सोचा ना हो। जरूर इस जानकी ने आग लगाई होगी। बढ़िया है साहब, आप पूछताछ के लिए बाहर क्यों नहीं आए? वो हम, कोई बात नहीं, हम यही पूछताछ कर लेते। हमले के वक्त आप कहां थी? महल के अंदर? नहीं। आंगन में? नहीं। तो फिर कहां थी? हम महल के बाहर थे।